सो है एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल यूनिवर्सिटी और साथ में उसके अफिलेटेड कॉलेजेस में 2022-23 बैच के लिए यूजी का एडमिशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसका डेट एंड प्रोसेस क्या है इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। साथ में देखेंगे कि CBSE का जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जितना भी एडमिशन प्रोसेस है डिपेंड करता है आपके 12th बेस के परसेंट पर, तो उस परसेंट को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं जनरली 5 से 10%, इसके बारे में भी हम स्टेप बताएंगे। एंड बाकी सारे कॉलेजेस के अलावा भी अटल यूनिवर्सिटी के खुद के UTD कोर्सेस है जिनके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और इसमें आपका बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आपने GGU के लिए UG का फॉर्म भरा हुआ है CUET UG का, वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। अगर आपको UTD कोर्सेज के बारे में नहीं पता है या फिर बाकी कॉलेजेस के कोर्सेज, सीट, फी स्ट्रक्चर जाननी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले 2 से 3 दिनों में सारी कॉलेजेस की डिटेल्स अपलोड कर दी जाएंगी। वैसे साइंस कॉलेज GGU एंड बिलासा कॉलेज की जो है ऑल इन्फॉर्मेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उन पर ऑलरेडी हमारी वीडियोस बन चुकी है, तो ज़रूर से जाकर के चेकआउट कीजिएगा। एंड आपको जो है बाकी कॉलेजेस के कोर्सेज, सीट, फी स्ट्रक्चर देखने के बोलने का मेन मोटिव ये है कि आप जो है प्लेन बायो या फिर प्लेन मैथ्स या फिर प्लेन BA, प्लेन BCom ना करके कुछ अदर एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हैं, जो आपको मे भी बहुत अच्छा लगे, उन कोर्सेज के बारे में भी आपको डिटेल हो जाए कि कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं और आप उसमें एडमिशन इजीली ले सके। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ज़रूर से एक बार कॉलेजेस की सीट, फी स्ट्रक्चर, कोर्सेज की डिटेल ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो बिलासा, साइंस कॉलेज, GGU, इनकी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ज़रूर से जाकर के चेकआउट कीजिएगा। एंड अदर कॉलेजेस लाइक DP, CMD, SBR, DLS, इनकी अपकमिंग वीडियो है 2 से 3 दिन में अवेलेबल हो जाएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एंड अगर आप चाहें तो आप हमसे भी अटल यूनिवर्सिटी और अफिलेटेड कॉलेजेस के फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा होगा, आप दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं 2022-23 की एडमिशन की डिटेल। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है अटल यूनिवर्सिटी का जो है ऑफिशियल नोटिस। तो इस साल जो है UG का एडमिशन 2 स्टेप में होने वाला है, मीन्स आपको 2 बार फॉर्म भरना पड़ सकता है। तो पहला जो होने वाला है, पहला वाला प्रोसेस, वो स्टार्ट हो रहा है 16 जून 2022 से। फॉर्म आप भर सकते हैं 16 जून 2022 से, एंड लास्ट डेट रहेगा 30 जून 2022 तक। देन ये फर्स्ट फेज की जो है मेरिट लिस्ट आपको 1 से 2 जुलाई के बीच में देखने को मिलेगा। एंड अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 2 से 7 जुलाई के बीच में एडमिशन ले सकते हैं। देन सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा 8 जुलाई 2022 को, और इसमें एडमिशन लेने का लास्ट डेट रहेगा 13 जुलाई 2022 तक। एंड फर्स्ट फेज का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा 14 जुलाई 2022 तक, जिसमें आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो 20 जुलाई 2022 तक लास्ट डेट रहेगा। एंड यहाँ पर नोटिस दी गई है, अगर किसी कॉलेज में फर्स्ट फेज में सीट खाली जाता है तो उसमें कॉलेज जो है एडमिशन ले सकता है 16 जुलाई 2022 तक, बट इसमें उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा जो फर्स्ट फेज के लिए अप्लाई किए होंगे। तो अगर आपका 12th का परसेंट आ गया है, मिस रिजल्ट आ गया होगा, तो आप ज़रूर से फर्स्ट फेज के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर 2 फेज में एडमिशन होना है, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर सीट खाली होगा तभी उस कॉलेज का जो है पोर्टल खोला जाएगा एडमिशन के लिए, अदरवाइज क्लोज कर दिया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेकेंड फेज का वेट मत कीजिएगा, फर्स्ट फेज में ही फॉर्म भर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी कॉलेज मिस ना हो। देन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट CBSE वाले होंगे या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उनके लिए यहाँ पर नोट दिया गया है कि तो CBSE वालों स्टूडेंट को 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, उनका रिजल्ट जब से जारी होगा उसके बाद से आने वाले 7 दिन। इट मीन्स अगर 30 जून को भी आपका रिजल्ट आता है ना, तो 30 से 7 मीन्स 7 जुलाई तक का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। तो अभी आप बिल्कुल भी हड़बड़ी मत कीजिएगा कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है, हम कैसे भरे, वेट कर लीजिएगा अपने रिजल्ट आने का, आप लोग को एक्स्ट्रा टाइमिंग दिया जाएगा। इसी तरह से मेरिट लिस्ट वगैरह के लिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइमिंग दिया जाएगा। और इसके साथ ही चांसेस है कि जो CGBSE बोर्ड वाले भी स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनके लिए भी डेट एक्सटेंड कर दिया जाए फर्स्ट फेज के लिए। अब देखते हैं UG में सेकेंड फेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, और ये सेकेंड फेज तभी स्टार्ट होगा जब
कॉलेजेस में सीट खाली हो, या फिर बोला जाए कि जिन कॉलेज में सीट खाली रह जाएगा फर्स्ट फेज के बाद भी, उन्हीं कॉलेजेस के लिए सेकेंड फेज का पोर्टल ओपन किया जाएगा। तो सेकेंड फेज के लिए रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होगा 21 जुलाई 2022 से, लास्ट डेट रहेगा 31 जुलाई 2022 तक। एंड सेकेंड फेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा 1 अगस्त 2022 से 2 अगस्त 2022 के बीच में। एंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन का टाइमिंग दिया जाएगा 2 अगस्त से 6 अगस्त तक। एंड सेकेंड फेज का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा 8 अगस्त 2022 को, एंड एडमिशन का लास्ट डेट रहेगा 13 अगस्त 2022। अब यहाँ पर देखिए, सेकेंड फेज में जो है थर्ड मेरिट लिस्ट का कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, बट लिखा है कि अगर सीट खाली रह जाता है तो 16 अगस्त 2022 लास्ट डेट रहेगा। मिस 16 अगस्त 2022 को ऑफलाइन मोड पर एडमिशन हो सकता है डायरेक्ट, या फिर ओपन एडमिशन जिसे कहते हैं। आप डायरेक्ट कॉलेज जाएंगे, वहां आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे, देन वहां पर तुरंत ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसकी इन डिटेल वीडियो हम अपकमिंग्स वीडियो में बना देंगे, जब ये वाला प्रोसेस आएगा मिस अगस्त में, जब डेट कंफर्म हो जाएगा कि कब डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होगा, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अटल यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आपसे ₹50 चार्ज लिए जाएंगे एज अ रजिस्ट्रेशन फीस, बट हो सकता है कि अगर आप सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड कराते हैं या फिर एक्स्ट्रा कॉलेजेस ऐड कराते हैं तो 10 या फिर ₹20 पर कॉलेज के हिसाब से ले लिया जाए। हमारे टाइम पे ऐसा था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, बट फॉर्म भरेंगे तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर से रखेंगे। देन अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की UTD कोर्सेज की एडमिशन की। तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो इसकी डेट इस तरह से है। तो UTD कोर्सेज के लिए अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जो है 16 जून 2022 से स्टार्ट हो रहा है, एंड लास्ट डेट जो है 30 जून 2022 को है। एंड CBSE वालों को एक्स्ट्रा 7 डेज का टाइम दिया जाएगा जब उनका रिजल्ट जारी होगा उसके बाद से, तो आप लोग अभी फॉर्म मत अप्लाई कीजिएगा, अपना रिजल्ट आने के बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। एंड अभी आपको लग रहा होगा कि UTD में कौन कौन से कोर्सेस हैं, इनकी आपको बिल्कुल भी डिटेल नहीं है, तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको सारी कोर्सेस और उनके फीस स्ट्रक्चर शीट की डिटेल अवेलेबल हो जाएगी, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ये वाला UTD का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है, तो उसके लिए आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा 1 जुलाई 2022 को, एंड इसका एग्ज़ाम होगा 3 जुलाई 2022 को दोपहर 12 बजे अटल यूनिवर्सिटी कोनी में। अभी न्यू बिल्डिंग बन गया है अटल यूनिवर्सिटी का कोनी में, तो वहीं पर होगा। देन UTD कोर्स के लिए मेरिट लिस्ट जो है 7 जुलाई 2022 को जारी किया जाएगा। एंड मेरिट लिस्ट में नाम आने पर आपको एडमिशन के लिए टाइम दिया जाएगा 11 जुलाई से 30 जुलाई तक। एंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद भी एडमिशन के लिए और सीट बच जाते हैं, तो अगर आप CUET UG का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसके अंक के आधार पर आपको जो है एडमिशन यहां पर भी मिल जाएगा। एंड एडमिशन के लिए लास्ट डिसीजन जो है यूनिवर्सिटी का रहेगा कि वो CUET के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है कि नहीं, अदरवाइज परसेंट वाइज वगैरह से। तो ये जो है लास्ट नोटिफिकेशन आपको 30 जुलाई के बाद देखने को मिलेगा। एंड यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ का फीस जो है आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, एंड इसका अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ₹300 चार्ज लगेंगे। एंड यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि अटल यूनिवर्सिटी के UTD कोर्सेज एंड अफिलेटेड कॉलेज दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, एक ही फॉर्म से आपका काम नहीं होगा, एंड दोनों का जो फॉर्म जो है अटल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से भरा जाएगा। अब देखते हैं कि आप इस फॉर्म के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो अटल यूनिवर्सिटी के अंडर में लगभग 98 कॉलेजेस आते हैं, बट वो रूरल एरिया में भी है, मिस गांव साइड भी है, तो हम बिलासपुर के यहाँ के कुछ कॉलेजेस को हाईलाइट कर देते हैं, लाइक अटल यूनिवर्सिटी, UTD कोर्सेज, साइंस कॉलेज, JP वर्मा, SBR जिसको बोलते हैं, DPVPRA, CMD, DLS, नवीन कन्या कॉलेज, NDR, इन सब पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड बिलासा गर्ल्स कॉलेज का जो है अलग से सेपरेट वेबसाइट से अप्लाई होता है, तो उसका भी नोटिफिकेशन जब भी आएगा हम आपको नोटिफाई कर देंगे, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपके 12th के परसेंट को एडमिशन के लिए कैसे 5 से 10% आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो एडमिशन टाइम अपने परसेंट को इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट
एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या फिर स्पोर्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा परसेंट मिलेगा एडमिशन के टाइम पे। इट मीन्स अगर आपका अभी 80% है और आपके पास एनएसएस या फिर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपके में 2% की इंक्रीज की जाएगी। इट मीन्स जब मेरिट लिस्ट जारी होगा और आपका नाम आएगा तो वहाँ पर 80 नहीं बल्कि 82% के नाम से आपका नाम दिखाई देगा। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई भी सर्टिफिकेट होंगी तो उसको ज़रूर से आप अटैच कीजिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। एंड यहाँ पर एक और डिक्लेरेशन दी गई है कि हो सकता है आपके पास मल्टीपल सर्टिफिकेट हो तो ऐसे सर्टिफिकेट को मान्य की जाएगी जिसमें सबसे ज़्यादा आपका परसेंट बढ़ रहा हो। सभी के सभी मान्य नहीं होंगे, मीन्स 4 से 5 होंगे तो चारों पांचों के लिए आपको अलग अलग परसेंट ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक का किया जाएगा जिसमें आपका सबसे ज़्यादा परसेंट बन रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए एनएसएस एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होगा तो आपका 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, एनएसएस एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होगा तो 3% मिलेगा, या फिर द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट में अगर आपने स्काउट का द्वितीय सोपान उत्तीर्ण किया है तो आपका 3% ऐड होगा। इसी तरह से सी सर्टिफिकेट या फिर तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट को 4% एक्स्ट्रा दी जाएंगी। देर राज्य स्तरीय संचालनीय एनसीसी प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 4%, नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एनसीसी एनएसएस कंटीजेंस में भाग लेने वाले को 5% एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। और ये सारे सर्टिफिकेट जो है सिर्फ यूजी के लिए एप्लीकेबल नहीं है बल्कि आप इसको पीजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देन राज्यपाल स्काउट को 5%, राष्ट्रपति स्काउट को 10%, छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट 10%, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एनसीसी कैडेट 10%, देन है भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट एनसीसी एनएसएस के लिए चयनित एवं प्रवास वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15% तक वेटेज दिया जाएगा। देन है स्पेशली पीजी एडमिशन के लिए, अगर आपने यूजी में ऑनर्स कोर्स लिया था तो ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10% मिलेगा। इट मीन्स कि अगर आपने यूजी कोर्स जो है फिजिक्स ऑनर्स से किया है और अगर आप एमएससी भी फिजिक्स से करते हैं तो अगर आपका 80% बना है तो उसमें इंक्रीज करके उसको 90% के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब एडमिशन का टाइम आता है तो 1% भी बहुत मायने रखता है, तो अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो ज़रूर से अटैच कर दीजिएगा और अगर आपका नाम आता है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप एडमिशन के टाइम पर लेकर भी जाइएगा, तभी आपका जो है ये वाला परसेंट मान्य रहेगा। देन है खेलकूद साहित्यिक सामाजिक क्विज रूपांकन प्रतियोगिताएँ, तो आपके सर्टिफिकेट इस टाइप से रिलेटेड होने चाहिए, लोक शिक्षण संचालन अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 2%, व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 4%। इट मीन्स अगर आपने सिंगल पार्टिसिपेट किया था किसी खेल में और आपको प्रथम द्वितीय या फिर तृतीय स्थान मिला है तब आपको 4% दिया जाएगा। एंड इसी तरह से संचालन द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको इस तरह से अंक दिए जाएंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान के टीम के प्रत्येक सदस्य को 6%, व्यक्तिगत रूप से प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को 7%, संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 5%, भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15%, प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाले टीम के सदस्यों को 12%, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10%।
भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइंस एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10-10% दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन मध्य प्रदेश से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहला छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को 10-10%, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12-12% एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को, इट मीन्स जम्मू कश्मीर माइग्रेंट जिसे कहते हैं, उनको 1% दिया जाएगा। अब ये तो पूरा हो गया, परसेंट को कैसे बढ़ाए इसके ऊपर बात, अब परसेंट को कैसे घटाए इसको भी जान लीजिए। तो अगर आप ट्वेल्थ हमें किसी स्ट्रीम से हैं, मान लीजिए आप मैथ्स या फिर बायो स्ट्रीम से हैं और अभी आप एडमिशन लेना चाहते हैं आर्ट्स या फिर कॉमर्स में, तो जो है आपको 5% आपका काट दिया जाएगा ट्वेल्थ के परसेंट से। मीन्स अगर आपका 80% रहा है मैथ्स में, तो अगर आप आर्ट्स में एडमिशन लेंगे तो उस टाइम 75 के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। एंड कुछ और इम्पॉर्टेंस रिलेटेड टू ग्रुप परिवर्तन, मीन्स आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो आर्ट्स वालों को बायो या फिर मैथ्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अपोजिट अगर आप मैथ्स या फिर बायो स्ट्रीम से हैं तो आप आर्ट्स लेकर स्टडी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।